बाप का तो घर है, जाके लड़ो ना हिम्मत है तो। सिर्फ जात के नाम पर ठेकेदारी करने वाला तुम्हें अपराधियों से डर, मोग और हिजरों के तरह जीने वाला समाज की सुरक्षा नहीं कर सकता। अपराधियों से समाज को बचाना होगा। एक ही चट्टे बट्टे के दो थैली कहां से ये बचा पाएंगे? कोई राजबल्लभ, कोई अरुण, कोई रणवीर, कोई मंडल बीमा भारती का हस्बैंड मंत्री बनेंगे। लगातार अनवरत अपराधियों का सिलसिला, रैली होगी, अपराधी के बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे। मैं आग्रह करूंगा, वक्त आ गया है इन माफियाओं के खिलाफ बदला लेने की, और गोपालगंज की धरती से ही माफियाओं के खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू करेंगे। मैं बचा, अपराधियों का नंगा नाच नहीं चलेगा। इसीलिए मेरा आग्रह है, नीतीश बाबू से इस्तीफा मंजूर करिए और दूसरों की सरकार गिराने में कम और भारत के युवा को रोजगार और गरीबों को बनाने में ज्यादा योगदान दीजिए। यह मेरा आग्रह है। कोरोना वायरस गया भाड़ में, वो सब कुछ मिट गया, चर्चा खत्म, महादेव का आना खत्म, सुन खत्म, नम्मे स्थान पर हम आ गए पूरी दुनिया में, चर्चा ही बंद हो गई। 9 दिनों में ट्रेन पहुंचना, ट्रेनों में 10-10 मौत और 302 का मुकदमा नहीं लगना, और लगातार क्वारंटाइन में श्रमिक मजदूरों को रख करके बंद करके जानवर से बदतर व्यवहार करना, इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। मैं आग्रह करूंगा एक एक बिहार के साथियों से कि आप क्वारंटाइन में किसी साथियों को भूख से मरना ना पड़े और दवाई के बगैर इसकी व्यवस्था करिए। ये मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, पुनः एक बार छात्र शक्ति, पप्पू ब्रिगेड, युवा शक्ति और बिहार के हीरो को, बिहार के नायक को मैं सलाम करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से जब मेरे पिता अच्छे हों, लगातार हमारा और डॉक्टर साहब का प्रयास जारी है।